मैं आभारी हूँ अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आज अपने संसदीय क्षेत्र सीधी के एक आवश्यक विषय पर सदन में ये बात रखना चाहती हूँ, आपके माध्यम से रखना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय। और मैं चाहती हूँ कि माननीय रेल मंत्री जी तक ये बात आवश्यक रूप से पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना जो 2 वर्षों से लंबित थी, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस परियोजना को अध्यक्ष महोदय गति दी। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के हजारों बेरोजगारों ने इस परियोजना के भाग रीवा से सिंगरौली तक के लिए जमीनें सिर्फ और सिर्फ इस आस में ली कि हमारे पूर्वजों का सपना पूरा होगा और कहीं न कहीं उन्हें भी रोजगार मिल पाएगा। अध्यक्ष महोदय, 11/11/2019 को रेल मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें लिखा था कि रेलवे के किसी भी परियोजना में अब भू अधिग्रहण के बदले रोजगार नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, परंतु मेरे बार बार आग्रह करने पर माननीय मंत्री जी के निर्देशन में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा एक पत्र लिखा गया। 17/12/2019 को इस पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया गया कि इस आदेश में 11/11/2019 इस आदेश को 11/11/2019 से ही प्रभावी किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह भी यही था और कि इस आदेश के पूर्व जिनका भू अधिग्रहण हुआ है उन्हें रोजगार दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि पश्चिम मध्य रेल द्वारा 25/8/2020 को एक पत्र जारी किया गया और इसमें कहा गया कि रोजगार के संबंध में जिनका आवेदन 11/11/2019 के पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है उनके आवेदन पर कार्रवाई करना संभव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी भूमि 11/11/2019 के पूर्व अधिग्रहित हुई है परंतु उन्होंने आवेदन 11/11/2019 के पश्चात दिया है। महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी तक इतना ही बात पहुंचाना चाहती हूं कि 11/11/2019 के पूर्व जिन भू स्वामियों की भूमि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के भाग रीवा से सिंगरौली के मध्य अधिग्रहित की गई है उन्हें रोजगार प्रदान करने की कृपा की जाए।